हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। देखिए फ्रेंड्स, आज मैं आपको टू कलर से राउंड शेप में बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन बनाना सिखाऊंगी। आप इसे टेबल मैट बना के भी यूज कर सकते हो, पूजा का आसन बना के यूज कर सकते हो, थाल पोस बना सकते हो, मेज पोस बना सकते हो, जो भी आपका मन करे अपने प्रोजेक्ट में इस डिज़ाइन को आप डालिए। इसे बनाना बहुत ही आसान है, बिगनर्स भी आसानी से बना लेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें फंदे डालेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, फंदे में बिल्कुल ही आपको सिंपल तरीके के बताऊँगी। ये देखिए, ऐसे हम एक स्लिप नोट लगा लेंगे, एक हमारा नोट से हो गया। ऐसे हम थ्रेड पकड़ लेंगे। ये बिगिनर्स के लिए बता रही हूँ, जिसको डालने आते हैं वो आप अपने हिसाब से डालिएगा। दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस। इसी तरीके से फ्रेंड्स, मैं इसमें 10 फंदे और डाल लेती हूँ, फिर हम अपना डिज़ाइन स्टार्ट करेंगे। ये देखिए, 20 फंदे मैंने इसमें डाल लिए हैं। आप 20 फंदे का बनाओ, 40 फंदे का, 30 फंदे का, इसी तरीके से आपने इसमें फंदे डालने हैं। अब देखिए, फर्स्ट रो से ही हम अपना डिज़ाइन स्टार्ट करेंगे। ये देखिए, मैंने दूसरा थ्रेड इसमें लगा लिया है, उसको हम आगे लगाएंगे। ये देखिए, ऐसे हमने लपेट लिया और एक फंदा मैं यहाँ पर बढ़ा दूँगी और यहाँ से इसको ऊपर की साइड में ले आएंगे। इसकी मैंने यहाँ पे नोट लगा दी थी। तो देखिए, आगे हम रेड से बनाएंगे। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह, तेरह, चौदह, पंद्रह, सोलह और सत्रह। 17 फंदे मैंने बना लिए, 2 फंदे मैंने पीछे छोड़ दिए। यहीं से वापस मुड़ जाएंगे। राइट साइड से देखिए फ्रेंड्स, ये रो मैं आपको उतार के दिखाऊंगी। राइट साइड से आपने कुछ नहीं करना, ऐसे उल्टा उल्टा बनाना है और जो जिस कलर का फंदा होगा आपने उसी कलर से बनाना है। ये देखिए, जो भी आप कलर लगाओ, जो भी फंदा जिस कलर का हो उसी कलर से आपने बनाना है। ये देखिए, एंड तक आपने इस रो को इसी तरीके से बनाना है। कलर कॉम्बिनेशन आप अपने हिसाब से लगाइएगा, जो भी आपको पसंद हो। आप इसे साड़ी और चुन्नी से भी बना सकते हो। ये देखिए, अब इस थ्रेड को हम पीछे कर देंगे और पीछे से ब्लैक थ्रेड ऐसे क्रॉस करके आगे लेके आएंगे और ये 2 फंदे हम ब्लैक से बना देंगे। ये देखिए, अब फिर से हम पलट लेंगे। अब देखिए, हर बार हम ऐसे फंदा बढ़ाएंगे। ये मेरा दूसरा फंदा है, ये देखिए, और यहाँ पे इसको हमने ऐसे करना है और ये हमने ऐसे करना है। यहाँ पे भी हमारा क्रॉस हो जाएगा और पीछे हमने 2-2 फंदे छोड़ने हैं। ये देखिए, 2 फंदे फिर मैंने छोड़ दिए। मैं यहीं से वापस मुड़ जाऊंगी। राइट साइड से जो जैसा है वैसा ही बना के मैं इस रो को पूरा करूँगी। ये देखिए, यहाँ से एक बार फिर से देख लीजिए, इसको पीछे करेंगे, पीछे से ब्लैक आगे लेके आएंगे क्रॉस करके, और ये 3 फंदे मैं ब्लैक से बना लूँगी। ये देखिए, अब फिर से पलट लेंगे इस बार और देखिए, फिर मैं इसको थोड़ा सा बना के आपको दिखाऊंगी। फिर से हम ऐसे फंदा बढ़ा लेंगे। ये देखिए, ये मेरा यहाँ पे 3रा फंदा है। यहाँ पे इसको ऐसे करेंगे और इसको ऐसे करेंगे और 2 फंदे लास्ट में छोड़ देंगे। ऐसे ही 2-2 फंदे छोड़ते हुए फ्रेंड्स, और आगे एक एक फंदा बढ़ाते हुए मैं ये सारे फंदे छोड़ दूँगी।
देखिए दो फंदे मैं फिर से छोड़ दूँगी, यहीं से मुड़ जाऊँगी, ये दो दो करके सारे ही फंदे मैं ये छोड़ दूँगी, यहाँ पे हम एक एक फंदा बढ़ाएंगे। ऊपर तक आ जाती हूँ मैं, छोड़ती हूँ, फिर मैं आपको आगे का दिखाऊँगी। ये देखिए यहाँ तक मैंने फंदे छोड़ दिए, तीन फंदे मेरे बच गए हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, जितनी भी आपको आगे झालर बनानी है उतने ही फंदे आप इसमें बढ़ा लीजिए। यहाँ पे अगर आपके दो चार पाँच जो भी फंदे आपके बच जाएं और आपके हिसाब से झालर ज़्यादा बड़ी या छोटी है तो आप अपने हिसाब से झालर को सेट कर लीजिए। तो अब देखिए इसमें मैंने एक फंदा तो मैंने रखा था, अब आगे देखिए एक दो तीन चार आठ फंदे मेरे यहाँ पर बढ़ गए और आठ बार ही मैंने दो दो करके यहाँ तक फंदे छोड़ दिए हैं। अब देखिए हमें क्या करना है, अब हम वापस घटाएंगे। हाफ कली हमारी बन गई है, अब देखिए दो का एक करेंगे, एक फंदा हमने यहाँ पे घटा लिया, ध्यान से देखिए। देखिए जब इस तरह से आप क्रॉस करोगे तो ऐसे हमारा सुई की तरह सिल के आएगा, ये इसको ऐसे कर लेंगे, इसको ऐसे। ये देखिए तीन फंदे मेरे ऊपर बचे हुए थे, आगे से हम इसमें दो और ऐड कर लेंगे और यहीं से वापस मुड़ जाएंगे। ध्यान से देखिए बहुत ही प्यारा डिजाइन है, आप इसकी अलग अलग कली अलग अलग कलर से भी बना सकते हो, क्रॉस करके ब्लैक वाला आगे लेके आएंगे और ये सारे ब्लैक से बना देंगे। ये झालर को बनाना बहुत ही आसान है, ये देखिए फिर से पलट लेंगे, फिर से हम यहाँ पे दो का एक कर देंगे। इसी तरीके से हम ये सारे ही फंदे घटा लेंगे। इसको ऐसे क्रॉस कर लेंगे और ये एक दो तीन, दो हमने पिछली बार इसमें ऐड किए थे, दो हम आगे से और ले लेंगे। उससे पहले देखिए ऐसे हम इसमें दो इसमें ऐड कर लेंगे, यहीं से वापस मुड़ जाएंगे। राइट साइड से जो जैसा है वैसा मैं बना के कंप्लीट करूँगी। ये देखिए दो फंदे मेरे बच गए, एक हमने रखा था और ये देखिए दो हमारे ब्लैक और दो रेड, दो हमारा ये जोड़े दो बचे हुए हैं। तो देखिए एक हमने फिर से घटा दिया, सारे फंदे मैंने इसी तरीके से घटाए हैं। इसको हम ऐसे, आप क्रॉस करना मत भूलिएगा, देखिए बिल्कुल भी बीच में हमारा गैप नहीं आता। अंदर के फंदे हमारे ऐसे ही रहते हैं जितने आप डालोगे, सिर्फ हमने आधी कली बनाएंगे तो हम नीचे से छोड़ना शुरू करते हैं, ऊपर से जब हम कली नीचे की तरफ आते हैं तो दो दो फंदे इसमें ऐड करते हुए आते हैं। मैंने इसमें दो दो का पेयर बनाया है, आप फंदों का तीन तीन का पेयर भी बना सकते हो, चार चार का पेयर भी बना सकते हो। ये देखिए ऐसे बीच में से फंदा उठाएंगे और दो का एक कर देंगे, ये देखिए दो हमारे ब्लैक के बच गए जो सबसे पहले हमने छोड़े थे। अब देखिए ये पूरी रो में ऐसे ही उल्टा उल्टा बना के कंप्लीट करूँगी। ये देखिए इस तरह से इसकी लुक आई है। अब देखिए फ्रेंड्स, बीच में कली हमारी कंप्लीट हो गई है, ये दो फंदे हमने छोड़ रखे हैं तो ये ब्लैक कलर के हैं। तो अब सारी रो हम जैसे हमने फंदे डाले थे बीच में दूसरी कली बनाएंगे तो हमारी ये आउटलाइन बन जाएगी। तो अब देखिए लास्ट का फंदा भी मैं ऐसे घटा दूंगी ब्लैक कलर से, ये देखिए, और ये रेड वाले सारे फंदे आप इसको ऐसे टाइट कर दीजिए, एक बार सारे फंदे मैं नीचे तक बना लूंगी। दूसरी की कली की स्टार्टिंग करके मैं आपको दूंगी, सेम आपने इसी तरीके से बनानी है। और अगर आप दूसरा कलर लगाना चाहो कली में तो दूसरा कलर भी आप ये दो रो उतारने के बाद लगा सकते हो। ये देखिए
ये देखिए सीधी साइड से भी मैंने इस रो को बना के कंप्लीट कर लिया है। ये एक कली हमारी बन के कम्प्लीट हो गई है। अब देखिएगा दूसरी कली की स्टार्टिंग भी आपने इसी तरीके से करनी है। ये देखिए ऐसे लपेट लेंगे और हमने यहाँ पे एक फंदा बढ़ा लिया। यहाँ से हम अपना, ये है मेरा रेड कलर, अगर आपको दूसरा कलर लगाना है तो आप यहीं से दूसरा कलर लगाइएगा। ये देखिए जैसे हमने नीचे से शुरुआत की थी बिल्कुल वो ही हमारी ये रो आ गई है जैसे हमने फंदे डाले थे। और फिर से हम जैसे नीचे की कली बनाई है उसी पैटर्न को हम रिपीट करेंगे। देखिए दो फंदे ब्लैक के फिर से हम छोड़ देंगे, जो लास्ट में कली जबकि हम आउटलाइन देंगे इस दूसरी कली के तब लास्ट में हम इनको बनाएंगे। यहीं से वापस से मुड़ जाएंगे। राइट साइड से इस रो को मैं उतार के कंप्लीट करूँगी। ये देखिएगा पीछे से क्रॉस करके आगे लेके आएंगे। ये दो फंदे मैंने ब्लैक के बना दिए। आप क्रॉस करना फ्रेंड्स मत भूलिएगा, छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखोगे तो बहुत ही फिनिशिंग के साथ बनेगा। ये देखिए बिल्कुल भी ये हमारा इसमें गैप नहीं है। अब देखिए इसी तरीके से हम बनाएंगे, फिर से देखिए ऐसे हम इसमें लपेट लेंगे और हमारा फंदा यहाँ पर बढ़ जाएगा। दो फंदे बढ़ा लिए और फिर से आगे ऐसे क्रॉस करेंगे और ये दो दो फंदे छोड़ते हुए ऊपर तक आएंगे। जितने फंदे फ्रेंड्स आप नीचे इसमें बढ़ाओगे, मैंने 8 फंदे बढ़ाए थे, इतने ही आप अगले झालर में बढ़ाइएगा। कम ज़्यादा मत करना नहीं तो हमारे इसकी शेप में अंतर आ जाएगा, बड़ी छोटी बन जाएगी। तो फिर से जितने भी आप फंदे बढ़ाओ उतने ही फंदे आप बढ़ा लेना, ऊपर तक सारे फंदे छोड़ देना और फिर ऊपर से दो दो फंदे करके ऐड कर लेना। मैंने दो दो का पेड़ बनाया है, आप तीन तीन का पेड़ भी बना सकते हो, चार चार का पेड़ भी बना सकते हो। तो जैसे 30 फंदे डालो तो तीन तीन का पेड़ बना लीजिए और इसी तरीके से आप बनाइए जैसे नीचे की हमने ये कली बनाई है। तो फ्रेंड्स मैं इसे कंप्लीट कर लेती हूँ, कंप्लीट करने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि फाइनल इसकी लुक कैसी आई है। ये देखिए मैंने बना के इसे कंप्लीट कर लिया है, बहुत सुंदर इसकी लुक आई है, बिल्कुल राउंड शेप में बना है और बाहर झालर की इसकी लुक है। तो फ्रेंड्स आप एक बार इसको ज़रूर ट्राई करना और मुझे कमेंट करके बताना आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा। पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कर लीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में नए डिज़ाइन के साथ। थैंक यू।